मतलब रियलिटी ये है कि भाई एक कैरेक्टर का जो परिभाषा होती है कि भाई वो किस प्रकार से किस परिवार से आता है, कि वो कैरेक्टर में मतलब नसीम करके जो कैरेक्टर है इस मूवी में, जो उन्होंने उनकी जो अंदर की जो भावनाएं थी उस वे से उन्होंने वो जो प्रकट किया है उस मूवी में, कि भाई नक्सलवादी में उसने किस तरीके से अपना अंदर का जो मतलब कि एक एंग्रीनेस होता है वो दिखाया है उसमें, तो उस तरीके से हर आतंकवादी के अंदर एक भावना हो छुपी होती है कि उसका इंटेंशन कुछ कुछ ना कुछ, एक तो दो प्रकार के इंसान होते समाज में, एक अच्छा बोते हैं और एक बुरा बोते हैं, तो बुरा बोते हुआ उसको नक्सलवादी हम लोग कह जाते हैं कि भाई हाँ ये इसी समाज में इसी गांव में इस तरीके की ये घटनाएं मतलब कि बो रहे हैं, तो इसी प्रकार का ये कैरेक्टर है इस मूवी में। नक्सलवादी की बात कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर अभी लोग अभी भी जुड़ते जा रहे हैं, सब यंगस्टर ही है, तो आपको क्या लगता है क्या रीज़न रहेगा क्योंकि अभी भी जुड़ते ही जा रहे हैं? आपने कहीं रिसर्च की होगी? जी ज़रूर है, ज़रूर है। अभी हमें जैसे अभी हमारा ट्रेडिशन जो यूथ जनरेशन है, अभी इंडियन वेदर ले लीजिए, बाहर के वेदर और इंडियन वेदर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ से एम्प्लॉयमेंट से लेके सारी चीज़ों की मतलब कि हर फील्ड में आज नौजवान बच्चे ड्रग्स में जा रहे हैं, उसके साथ उस तरीके का उनका एक रोज़मर्रा का ज़िंदगी हो जाता है, इससे परिवार पे असर हो जाता है, फिर उनकी जो करियर है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें समाज में देखते हैं, कि उनको ही देख के हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं कि भाई एक ऐसे ऐसे मुद्दे होते हैं, मुद्दे तो हम लोग उठा सकते हैं, हमारा कलम ही राइट का मतलब कि है कि भाई हाँ। सर जैसे कि आपका जो किरदार है वो क्या रियलिटी में एग्जिस्ट होता है कुछ इसके बारे नहीं होता है? बिल्कुल है, बिल्कुल रियलिटी में नसीम जैसे करेक्टर हैं जो शेर व शायरी करते हैं और वो कहते हैं कि लम्हे लम्हे की सियासत पे नज़र रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं, मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं, वो ज़िंदगी जीने का हुनर रखते हैं किस तरह से अपने आप को बचाया जाए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा शंकर जी कि हाउ यू कंसीव दिस कैरेक्टर एंड आउट फ्रॉम द नक्सलिज्म, कैसे आपने कंसीव किया? देखिए नक्सलाइट करेक्टर जो है वो मैंने पहले भी बताया ना, नक्सलाइट कोई बाहर का आदमी नहीं है, नक्सलाइट हमारे अपने बच्चे हैं, अपने लोग हैं, हमारे यहाँ का जो ये माहौल है ना, क्या है माहौल, ख़राब हो रहा है, बेरोज़गारी हो रही है, ड्रग्स का चल रहा है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, लोगों का शोषण हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से जो एक आवाज़ आ रही है ना उसको हम नक्सलाइट कह रहे हैं।